डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट स्मैशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इज आइट्रेटिव वाटरफॉल मॉडल। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल की कि क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो ये जो आइट्रेटिव वाटरफॉल मॉडल है ना, ये एक्चुअल में क्लासिकल का क्या है, मॉडिफाइड वर्जन है। और मॉडिफिकेशन में वन ऑफ द मेजर मॉडिफिकेशन जो की है, दैट इज द फीडबैक। क्योंकि क्लासिकल में फीडबैक सिस्टम नहीं था, मतलब अगर एक पर्टिकुलर स्टेज में कोई मिस्टेक होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, वो फर्दर स्टेजेस में क्या हो जाएगी, प्रोपेगेट होती रहेगी। लेकिन यहां पे उन्होंने मेजर चेंज जो की है कि इन केस देयर इज अ प्रॉब्लम अकर्ड और उस प्रॉब्लम को लेट से मैंने कोडिंग या टेस्टिंग फेज में डिटेक्ट किया, तो मैं कह सकता हूं कि लेट से मेरे को डिटेक्ट किया कि डिजाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं यहां पे फीडबैक दे सकता हूं कि यह डिजाइन वालों को बता सकता हूं कि इसमें कुछ चेंजेस जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। ऐसे ही अगर लेट से मैंने कोई सिस्टम टेस्टिंग में कोई चेंज देखा या लेट से उसमें मैंने कोई चाहता हूं कि कुछ चेंजेस चाहिए, तो मैं डिजाइन वालों को या कोडिंग वालों को बैकएंड पे बोल सकता हूं। तो ये एक मेजर चेंज है फीडबैक वाला, जो कि आइट्रेटिव वाटरफॉल मॉडल में है। तो आपको कहीं पे भी आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये पॉइंट जो है वो मेनली याद रखना, यही मेजर डिफरेंस है। सेकंड यहां पे पॉइंट आता है कि फिजिबिलिटी स्टडी में कोई भी यहां पे फीडबैक नहीं है। आपके जो फीडबैक है वो इसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन फिजिबिलिटी स्टडी में कोई फीडबैक नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने एक बार कमिटमेंट दे दी, वो सलमान खान वाला डायलॉग है ना कि अगर एक बार मैंने कमिटमेंट दे दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, तो वही वाला यहाँ पे है कि अगर एक बार आपने कमिटमेंट दे दी कि यस वी विल डेवलप द सॉफ्टवेयर, अब आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते। ये बेसिक सा फंडा है यहाँ पे फीडबैक वाला। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, अगर हम ये बाकी का पॉइंट तो वो सेम ही है, जैसे वहां पे एडवांटेज वाला था ना कि बेस मॉडल है, सिंपल इजी है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए बढ़िया है। एक्स्ट्रा एक क्या आ गया, फीडबैक। एक्स्ट्रा एक क्या फंडा आ गया यहाँ पे कि फीडबैक्स आर देयर इन द आइट्रेटिव वाटरफॉल मॉडल। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो बाकी की जो डिसएडवांटेजेस थी ना, वो सेम यहां पे भी एग्जिस्ट कर रही है। जैसे नो फेज ओवरलैपिंग, ये क्या है, पैरेललिज्म। वहां पे मैंने लिखा था पैरेललिज्म, तो यहां पे नो फेज ओवरलैपिंग मतलब एक फेज कंप्लीट करेगा, फिर दूसरा फेज काम स्टार्ट करेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर चौथा, मतलब एक टाइम पे आप पैरेलली काम जो है वो नहीं कर सकते, ये तो पंगा है इसमें। देन नो इंटरमीडिएट डिलीवरी, कहने का मतलब क्या है कि यार प्रोजेक्ट स्टार्ट किया फिजिबिलिटी स्टडी से लेके मेंटेनेंस तक, मतलब जब ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा ना, देन यू विल डिलीवर टू योर कस्टमर, मतलब सारा काम कंप्लीट करने के बाद आपने डिलीवर कर दिया, इन बिटवीन कोई पार्शियली डिलीवरी नहीं है। मतलब कहने का कि अगर लेट से कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आएगी, कस्टमर को वो दिक्कत लग रही है, तो वो एक्चुअल में पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डिलीवर करने के बाद पता लग रही है। अगर बीच में कोई इंटरमीडिएट या प्रोटोटाइप काइंड ऑफ अगर फंडा होता कि यार मैं एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना के दे दूं उनको, उसी में बोल दूं कि कुछ चेंजेस बता दो जो कि प्रोटोटाइप मॉडल में आगे आएगा, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है यहाँ पे, लेकिन ये चीज ऐसा नहीं है। देन रिजिड नो चेंजेस का मतलब क्या है यहाँ पे, नो चेंजेस में या रिजिडिटी में अगर हम बात करें ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि लेट से अगर मैंने रिक्वायरमेंट को फिक्स कर दिया कि दीज आर माई रिक्वायरमेंट्स, तो वो रिक्वायरमेंट मेरी क्या है, फिक्स हो गई, उनको मैंने एक तरह से फ्रीज कर दिया। नेक्स्ट फेजेस में अगर मेरे को कोई रिक्वायरमेंट में चेंजेस करनी है तो वो नहीं होगी। मे बी यू विल फील लाइक कि सर फीडबैक तो है इसमें, तो यार फीडबैक का फंडा क्या है, वो फीडबैक का फंडा ये है कि अगर कोई मिस्टेक होती है, कोई बग आता है, तो हम उसको प्रीवियस वालों को बोल सकते हैं कि यार यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। लेकिन रिक्वायरमेंट अगर मैंने फ्रीज कर दी, मैंने बोल दिया कि मेरे को ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक बार मेरी रिक्वायरमेंट्स वगैरह सारी क्या हो गई, फिक्स हो गई, उसके बाद मैं बार बार उसमें चेंजेस जो है वो नहीं ला सकता, तो ये रिजिडिटी कहीं ना कहीं अभी भी है। लेस कस्टमर इंटरेक्शन, कस्टमर की इंटरेक्शन जो ऑब्वियसली मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे कस्टमर से हमने पूछ लिया, SRS डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करवा लिया, अब उसके बाद कस्टमर सीधा यहाँ पे आएगा, क्यों, क्योंकि उसको जब प्रोडक्ट की डिलीवरी करेंगे तब वो एक्चुअल में उसको यूज करेगा, पूरा सॉफ्टवेयर एक बार में डिलीवर करके आप दोगे। तो ये मेजर फैक्ट्स आप बोल सकते हो, पॉइंट्स बोल सकते हो इन द आइट्रेटिव वाटरफॉल मॉडल। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, इतने पॉइंट्स भी अगर आपको पता है, मोर देन सफिशियंट। थैंक यू।